हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स इंक्रीज कैसे करें। बहुत लोग करते क्या है कि किसी ऐप या एप्लीकेशन को यूज़ करके इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स बढ़ा लेते हैं और फिर वो कोई भी रील्स या वीडियो अपलोड करते हैं तो उनकी रील्स या वीडियो पर कोई व्यू नहीं आते। जो फॉलोवर्स आप एक क्लिक में इंक्रीज कर लेते हैं उन फॉलोवर्स का कोई फ़ायदा नहीं होता। वो फॉलोवर्स बस एक शो ऑफ के लिए होते हैं, एक दिखावे के लिए होते हैं, उनका आपको बेनिफिट कुछ भी नहीं मिलता। अगर आप अपनी रील्स या वीडियो को वायरल करना चाहते हैं और फेमस होना चाहते हैं तो आप जब भी इंस्टाग्राम पर कुछ भी पोस्ट करते हैं तो अपनी रील्स पर 5 मिनट काम कीजिए। और इंस्टाग्राम पर वीडियो रील्स अपलोड करने का सही तरीका होता क्या है, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आप जैसे जैसे मैं बताता हूं उसको आप फॉलो कीजिए। वैसे आप अपनी रील्स या वीडियो को कोई भी पोस्ट कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे तो उसको फॉलो कीजिए तो 100% आपके ओरिजिनल जेन्युइन फॉलोअर्स आएंगे और जिससे आपके व्यू भी बढ़ेंगे और आप फेमस होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपनी इंस्टाग्राम पर आ जाना है। अब इंस्टाग्राम पर आने के बाद यहाँ पे आपको प्लस का एक आइकन दिख रहा है टॉप में, आपको उस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो है वो रील में अपलोड करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे रील पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे गैलरी में जाते हैं। गैलरी में जाने के बाद आपको यहाँ पे मैम मेरी जो वीडियो है वो डाउनलोड में पड़ी है। जैसे मैं ये एक वीडियो ले लेता हूँ, वीडियो लेने के बाद यहाँ पे आपको ऐड पे क्लिक कर देना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा प्रीव्यू, आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप यहाँ से जो वीडियो पे है कोई भी अपनी तरफ से कोई भी म्यूजिक लगा सकते हैं और जो यहाँ से आप जो वीडियो का ओरिजिनल म्यूजिक है उसको आप यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। ऐसे अगर आप चाहते हैं कि आप कोई अपनी तरफ से कोई म्यूजिक लगाना चाहते हैं तो नीचे आपको म्यूजिक का ऑप्शन भी दिया हुआ है तो आप यहां से म्यूजिक भी लगा सकते हैं और साउंड इफेक्ट भी कर सकते हैं। उसको करने के बाद आपको यहां से सिंपली डन कर देना है। डन करने के बाद आपको यहां से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपको यहाँ पे जो अभी जो मैं पॉइंट बताऊंगा आपको ये ध्यान से सुनने हैं तो उसके लिए आपको नीचे एक ऑप्शन दिया होगा ऐड लोकेशन। आपको यहाँ पे अपनी लोकेशन जो है वीडियो की वो ऐड कर देनी है। अब उसके लिए आप कोई भी लोकेशन ऐड कर दो, तो जैसे आप कोई फेमस जगह है आप उसका जो आपको लगता है कि इसके बारे में लोग ज़्यादा सर्च करते हैं, तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड कर देता हूँ, मैं जैसे यहाँ पे गोवा ऐड कर देता हूँ। अब जैसे जब भी कोई गोवा के बारे में जानना चाहेगा या गोवा की कोई वीडियो देखना चाहेगा और गोवा को सर्च करेगा तो उसके उसके अंदर आपकी वीडियो भी शो होगी जिससे आपको व्यू मिलेंगे। और आप यहां से किसी को भी अपने फ्रेंड को किसी पीपल को किसी को भी टैग भी कर सकते हैं। और आप यहां से आप जिसे ये ओरिजिनल ऑडियो लिखा हुआ है यहां पे आपने जो म्यूजिक दिया है उस गाने को आप आपने जो भी म्यूजिक दिया उसका यहाँ पर ओरिजिनल नाम लिख दीजिए। उससे क्या होगा कि जब भी आप कोई भी उस गाने को उस म्यूजिक को सर्च करेगा तो उससे ना आपके जो वीडियो है वो भी यहाँ पे शो होगी। ये काम करने के बाद आपको यहाँ आप शेयर टू फेसबुक, फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हैं। और सबसे मेन बात जो है अपलोड करते टाइम करनी क्या होती है, जैसे आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसके लिए आप पहले थंबनेल लगाते हैं, तो यहाँ पे उसको थंबनेल को कवर बोलते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे एडिट कवर का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप कोई भी अपनी वीडियो में से कोई भी जो भी पार्ट आपको बेस्ट लगे आप उसका कवर बना सकते हैं। ऐसे जैसे मेरे को अब ये लगा पार्ट अच्छा तो मैं इसको कवर बना लेता हूँ। अगर आप आपने कोई पहले से ही कोई कवर बना के अपनी गैलरी में सेव कर रखा है तो नीचे आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है ऐड फ्रॉम गैलरी, आप यहाँ से गैलरी में जाके कोई भी कवर यहाँ पे लगा सकते हैं। कवर लगाने के बाद आपको सिंपली यहाँ से डन कर देना है। डन करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा राइट ए कैप्शन, आपको यहाँ पे आप अपनी वीडियो का कोई टाइटल लिख लीजिए जो अच्छे लोग सर्च करते हैं जिस टाइटल को। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंजॉय टू गोवा। यहाँ पे ये लिखने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आपको ना यहाँ पे हैशटैग बहुत जरूरी होते हैं डालने।
अब उनको हैशटैग का काम क्या होता है कि आप जब भी कोई किसी चीज़ को सर्च करता है आपके हैशटैग की वजह से वीडियो आपकी ऊपर आती है, जिससे आपका जो अकाउंट है वो इंक्रीज होता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले हैशटैग में आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे हैशटैग इंस्टा, इंस्टाग्राम रील्स, एक जो सबसे मेन बात है इसमें हैशटैग में आपको जो जिस चीज़ के बारे में आपकी वीडियो है आपको उसके हैशटैग डालने पड़ेंगे। जैसे आप कोई भी मान लो ट्रैवलिंग कर रहे हो, या कोई डांसिंग कर रहे हो, या आप कोई भी कॉमेडी कर रहे हो, तो उसका आप यहाँ पे हैशटैग में डाल सकते हैं। जैसे हैशटैग कॉमेडी, हैशटैग डांसिंग, हैशटैग ट्रैवलिंग, कुछ भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। आपको हैशटैग यहाँ पे डालने बहुत ज़रूरी हैं। तो हैशटैग डालने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली इसको शेयर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप शेयर पे क्लिक करते हो, ये जो आपकी रील है वो शेयर हो जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।